गोरखपुर जिले में बुधवार को 199 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 96 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 22, गोरखनाथ में 20, कोतवाली में 9, तिवारीपुर में 1, रामगढ़ताल में 15, राजघाट में 1 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 28, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 94 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 31, खोराबार में 18, उरवा में 10, भटहट में 2, पाली में 1, खजनी में 2, बासगांव में 3, पिपराइच में 5, सहजनवा में 6, कैंपियरगंज में 3, जंगल कौड़िया में 3, कौड़ीराम में 2, पिपरौली, बेलघाट, ब्रह्मपुर, सरदारनगर, बढ़लगंज, खजनी और गोला थाना क्षेत्र में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 22,623 हो गई है। इसमें 369 की मौत हो चुकी है, 21,312 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 942 हो गए हैं। इस संबंध में CMO डॉ. सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉ. सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।